होटलों पर प्रशासन की लगातार छापेमारी। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद जहां शासन के निर्देश में प्रदेश भर में होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउसों की प्रशासन द्वारा चेक इन की जा रही है, वहीं खडीमा तहसील प्रशासन द्वारा होटल रिजॉर्ट्स के खिलाफ चेक इन अभियान जारी है। खडीमा तहसीलदार सुमांगनी के नेतृत्व में राजस्व टीम ने मंगलवार को खडीमा टनकपुर रोड में होटलों में चेक इन अभियान चलाया। इस मौके पर अमाऊ के SMB होटल में दस्तावेज अपूर्ण होने पर उसे तहसीलदार द्वारा दस्तावेज पूर्ण करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। साथ ही कमियां मिलने पर समस्त कमियों को जल्द पूर्ण करने की बात कही गई। खडीमा तहसीलदार सुमांगनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आम खडीमा टनकपुर रोड पर प्रशासनिक टीम के द्वारा होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउसों में छापेमारी अभियान चलाया है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के रजिस्ट्रेशन, फायर, NOC सहित अन्य सभी दस्तावेजों को 3 दिन के भीतर पूर्ण करने की मोहलत दी है। जिस किसी होटल के दस्तावेज अपूर्ण रहेंगे उनको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। पास एक होटल है तो उसमें क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि सभी होटलों की चेकिंग की जानी है और उनके कागज देखे जाने हैं, तो इसी क्रम में यहाँ पर हम होटल की चेकिंग करने के लिए आए हुए थे। हालांकि होटल अभी निर्माणाधीन है तो इसलिए जो होटल के स्वामी हैं उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि होटल का निर्माण जैसे ही पूरा होता है और विधिवत रूप से जब से वो शुरू करते हैं तो जो भी कागज़ हैं, जो पर्यटन विभाग के कागज़ हैं और फायर के कागज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो उनका कर लें तो उसके बाद उसकी सीजर की कार्रवाई की जाएगी। SNP होटल करके एक यहाँ पर है टिकरी चौराहे पर। ये बाकी मैं आपके माध्यम से बाकी होटल व्यवसायियों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि पर्यटन विभाग का सर्टिफिकेट और उसके अलावा फायर सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वो लोग अपनी सारी ओके कर लें, सबका डॉक्यूमेंटेशन कर लें और अपडेट कर लें,